इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश, संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।
जीवन में इंसान की कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब वह निर्णय लेने में असक्षम हो जाता है, निर्णय नहीं कर पाता, वह यह सोच नहीं पाता कि क्या करूं क्या ना करूं और किसको करने से क्या होगा। ऐसा अक्सर हम सभी के साथ में होता है, दुविधा में मन हो जाता है। चाहे वस्त्र खरीदने जाओ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक खरीदने जाओ, चाहे घर का फर्नीचर खरीदने जाओ, चाहे पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनको जब आगे कॉलेज की चॉइस करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, कौन से सब्जेक्ट में जाना है, उस समय जो है बड़ी दुविधा पड़ जाती है। लेकिन आपने कभी विचार किया कि जो इंसान के जीवन में दुविधा आती है वह क्यों आती है? सोचा कभी आपने कि जीवन में दुविधा क्यों आती है? जब आपके पास में ऑप्शन होगा, जब आपके पास में चीजें होंगी कि आप चॉइस करो, जब जाकर आपके जीवन में क्या होता है, दुविधा उत्पन्न होती है। लेकिन जब आपके पास में ऑप्शन नहीं है तब आपके पास कोई दुविधा नहीं होती। जैसे आपके जो माता पिता हैं वह आपको सुविधा कम दे रहे हैं, लेकिन आपके चाचा ताऊ आपको सुविधा ज्यादा दे रहे हैं, तो माता पिता आप किसको कहोगे? किसको कहेंगे माता पिता? जो हमारे जन्मदाता माता पिता, उनको ही। क्यों? क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा छोटी सी है और उसी मंदिर के बाजू में कोई सनातन धर्म का अन्य धर्म का मंदिर बना हुआ है और उनकी प्रतिमा बहुत बड़ी है, तो भी आपके भाव कहां जाने के होते हैं? भगवान महावीर स्वामी के पास। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा वही कहलाएगी क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब दुविधा बढ़ती है, जब आपको चयन करना पड़ता है, जब आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, जब आपके जीवन में दुविधाएं बढ़ जाती हैं, जीवन में ऑप्शन को समाप्त करते जाओ। जितने ऑप्शन दिमाग में चलेंगे उतना आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। और जिस व्यक्ति का ऑप्शन में दिमाग चलता है वह कभी सफल जल्दी से हो ही नहीं पाता। जैसे हमारा भगवान पर फेथ है, जिनवाणी पर, गुरु पर विश्वास है, उसी प्रकार से एक वस्तु पर विश्वास करें आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। यदि आपको मालूम चल जाए कि 7 तारीख को घर जाना है और 6 बजे ट्रेन है, 6:30 बजे है, 8 बजे है, 9 बजे है, 6 बजे वाली ट्रेन में एसी की टिकट नहीं मिली, तो आप क्या करोगे? आगे वाली में ट्राई करोगे और आगे वाली ट्राई करोगे। लेकिन पता हो कि एक ही ट्रेन जा रही है तो फिर आप क्या करते हो? जो टिकट मिली उसमें बैठोगे और बैठकर चले जाओ, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। दुविधा होने का महज सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास में ऑप्शन की भरमार हो गई है। पहले बच्चा 1ली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़ता था और स्कूल के बाद में नियत होता था कि यदि उसको जाना है तो इस कॉलेज में पढ़ना है। तो बच्चे के मगज में कोई टेंशन नहीं थी, कितने भी परसेंटेज आ जाए, माता पिता के मन में कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि मेरे बच्चे के 60% आए तो और 99% आए तो भी एक ही कॉलेज है जहां पर उसको जाना है। लेकिन आज बच्चा 10th पास करता नहीं, 11वीं क्लास से माँ बाप और बच्चा दोनों चिंतित हो जाते हैं कि 12वीं के बाद मैं कौन से कॉलेज में जाऊंगा। ऑप्शन की भरमार है और जहां ऑप्शन की भरमार है, जहां पर आपके पास में बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, वहां पर आपके मन में दुविधा अंत तक चलती ही रहेगी। आज शादी ब्याह होते हैं, पहले के जमाने में माता पिता ही सारा काम कर देते थे तो ज्यादा समस्या थी नहीं, और आजकल माता पिता बालक बालिका पर छोड़ते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं।
और बताते हैं कि जब प्राचीन काल में इतिहास पढ़ो तो लोग कहते थे कि बचपन से ही तय हो जाता था कि इस बच्चे की शादी इससे होने वाली। शास्त्रों में भी कई बार उदाहरण आते हैं, पढ़ते हैं, तो कोई विकल्प ही नहीं था, कोई संकल्प ही नहीं था। तो जीवन में दुविधा से दूर होना है और सुविधा में आना है। जीवन में दुविधा से दूर होना है और सुविधा में आना है तो हमें क्या एकाग्रचित तरीके से अपने आप को हमें समन्वय रूप में लाना पड़ेगा और अपने जीवन का कल्याण करना पड़ेगा। एक बार एक बाजार में सामान बिक रहा था, एक जगह खाने का सामान था, एक जगह कपड़े आदि थे, एक जगह खेल खिलौने थे, एक जगह ये था कि धन को कैसे कमाया जाए, और अंत में एक छोटे से स्टॉल पे लिखा था बुद्धि बढ़ाने का उपाय। धन को कमाने की बड़ी दुकान थी, खेल खिलौने की दुकान बड़ी थी, सब लोग क्या जाएंगे, कहां जाएंगे बताओ, सभी लोग अपनी अपनी जरूरत का सामान लेने लगे और अधिकतर लोग धन को कमाने के उपाय में लग गए कि धन को कैसे कमाया जाए, धन को कैसे इकट्ठा किया जाए। और बुद्धि के स्टॉल में तीन चार लोग गए, बस 3 और 4। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 5 साल बाद परिणाम आया तो जो 3-4 लोग बुद्धि विकास वाले में गए थे वह सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन गए, वह सबसे ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति बन गए। क्यों? क्योंकि लोगों ने धन कमाने का तरीका तो सीख लिया था लेकिन धन का इस्तेमाल कैसे करना इसका तरीका सीख नहीं पाए थे। और बुद्धि वाले ने क्या किया, वहां पर धन कमाने का तरीका भी बताया और धन को इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया। कहते ना आज हर व्यक्ति सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। एक 6 महीने का बच्चा भी है, यदि आप उसकी ना सुनो तो वह जोर जोर से रोने लग जाता है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि मैं भी यहां पर हूं। आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले जब हमारे पास लोग आया करते थे तो मैं उनसे बात करता था कि मोक्ष शास्त्र में क्या लिखा है, सर्वार्थ सिद्धि में क्या है, जीव कांड कर्म कांड में क्या है। तो पहले दिन 50 आदमी आते थे, अगले दिन 30, और आखिरी दिनों में 2-4 ही आदमी हम रह जाते थे, हमारा संग 2-4 आदमी रह जाते थे। तो मैंने एक बच्चे से बुला के पूछा, भाई तुम आते क्यों नहीं हो? तो उसने बोला आके क्या करूं? मैंने पूछा क्यों? बोले आप मेरे दादा दादाजी से बात करते हो, उनके हिसाब की बातें बताते हो, तो हमको करना क्या है? ये बातें तो बोले हमारे घर में दादा दादी बता देंगे आके। एक जवानी उसमें से पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं आते भैया हमारे पास? बोले महाराज जी आना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन आपके पास जाओ तो आप वही चालू कर देते हो, जम्बूद्वीप में ये है, त्रिलोक में ये है, ये है। कोई बात नहीं। एक 60 साल के आसपास का आदमी आया, उससे मैं पूछा भाई क्यों नहीं आते हो? बोले महाराज जी मुझे इसका ज्ञान तो हो, मुझे तो यही पता नहीं कि पंच परमेश्वर के मूलगुण कितने होते हैं और किस किस तरीके से। तो उस दिन फिर गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी, बोले भाई आज के समय में बच्चा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, बड़ा भी दर्ज कराना चाहता है, बूढ़ा आदमी तो लाठी से उपस्थिति दर्ज करा देता है, ठक 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 करके जाता है तो लोग समझ जाते कोई बुजुर्ग आदमी आ रहा है। तो उस दिन से मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा अपना, जैसे आजकल आपके जीवन की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही ना, तो हम लोग तो अपनी लाइफ स्टाइल में और कुछ चेंज नहीं कर सकते, मुनि महाराज तो मुनि महाराज ही रहेंगे, तो क्या कर सकते हैं कि अपने प्रवचन की स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तित कर दो, प्रवचन के तरीके को थोड़ा सा बदल दो, रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को लाओ, तो क्या होगा, सारा काम संपन्न हो जाएगा। तो बता रहा था आपको कि हर व्यक्ति सुनना चाहता है, सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। ये तो भला हो इस पंचम काल में लोगों का भी थोड़ा सा कि उनको ये पता है कि मंदिर जाएंगे, शांति धारा करेंगे, आहार देंगे, चावल चलाएंगे तो ही पुण्य मिलेगा। ये तो कई लोगों ने कह रखा है, महाराज जी मेरे नाम से तो रोज शांति धारा करा देना, जो पैसा होगा भिजवा देंगे, मेरे नाम से चौके में सामान लगा देना, आहार की व्यवस्था भेज देंगे। ये भी पुण्य का काम है लेकिन अपने हाथ से करना महापुण्य का काम है, अपने हाथ से किया गया कार्य महापुण्य को देने वाला होता है, हमारे जीवन के सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। अब बताइए कि आप भोजन करते हो तो आपका पेट भरता है कि पड़ोसी का भरता है? अच्छा पड़ोसी अच्छा अच्छा भोजन कर रहा है तो पेट किसका भरेगा, पड़ोसी का कि आपका?
सुगंध आ रही है, देख रहे हो मुंह से लार भी टपक रही है, लेकिन पेट किसका भरेगा? जो खाएगा उसी का पेट भरेगा। उसी प्रकार से जीवन में जो सुनेगा, सुनने के बाद में अपने जीवन में उतारेगा, उसी के जीवन का कल्याण होगा। तो अपने जीवन में सुविधा को पाना है तो दुविधा को जीवन से हटा दो, दुनिया भर के चीजों का विकल्प समाप्त कर दो। जब विकल्प समाप्त हो जाएगा तो संकल्प आपका अपने आप मजबूत हो जाएगा, और जिसका संकल्प मजबूत है उसके जीवन में सारी की सारी क्रियाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो अपने जीवन का कल्याण करें। और भक्तांबर जी आराधना का आज अंतिम से पहले का दिन, कल 48 दिवसीय आराधना संपन्न होगी, संपन्न होगा, हवन के पूजन के माध्यम से सारी क्रियाओं को संपन्न करेंगे, सभी लोग उपस्थित होकर धर्म लाभ लेंगे, यही मंगल सुभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश, संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।